हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज एक न्यू वैकेंसी अपडेट लेके आया हूँ। पंजाब CHO की वैकेंसी है, तो वैकेंसी की पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि ऐसी वैकेंसी अपडेट हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहें। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर पंजाब CHO की वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बीएससी नर्सिंग विद CCH होना जरूरी है, साथ में पंजाब नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना कंपलसरी है। और BMS वालों के लिए यहाँ पे जो उनका सेंटर रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा है उनसे रजिस्टर होना कंपलसरी है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, अगर फर्जी CCH हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इग्नू से स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, ओनली उन्हीं कैंडिडेट्स का CCH माना जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाली है 350 के समथिंग, 350 पोस्ट रहने वाली है टोटल, जिसमें कि बैकलॉग वैकेंसी भी इंक्लूडेड है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1180 फीस रखी गई है, जिसमें कि GST भी इंक्लूड है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए 590 रुपये का फीस रखा गया है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट कैसे होगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा रिटर्न एग्जामिनेशन से, जिसमें कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, और इसमें 100 में से 35 नंबर मिनिमम आपको लाने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 35 रखा गया है। अब टर्म्स कंडीशन पढ़ लेते हैं, पोस्ट विल बी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर 1 ईयर एंड रिन्यूड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडक्ट परफॉर्मेंस एवरी ईयर। यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली 1 साल के लिए होगा, उसके बाद रिन्यू होता रहेगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो। दूसरा है, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास पंजाबी सब्जेक्ट इन मैट्रिक, यानी कि 10वीं में आपका पंजाबी सब्जेक्ट अगर है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे छूट किस किस को मिलने वाली है, तो फ्रीडम फाइटर या फिर स्पोर्ट्स पर्सन उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हाईलाइटेड लिख रखा है कि कैंडिडेट शुड सेलेक्ट देयर कैटेगरी केयरफुली, वंस दिस कैटेगरी सेलेक्टेड बाय कैंडिडेट विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सरकमस्टांसेस। यानी कि एक बार आपने जो कैटेगरी चूज कर ली वही आपका कैटेगरी रहने वाला है, कोई इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, कि यहाँ पे स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड, यानी कि इसमें दोनों अलाउ है, CCH भी और विदाउट CCH भी, लेकिन यहाँ पे जो विदाउट CCH वाले हैं उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। पाँच हजार का जो स्टाइपेंड है वो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कंप्लीशन ऑफ CCH फ्रॉम इग्नू, उसके बाद यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड 2 लाख का होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं, जो फॉर्म के डेट कब से फॉर्म शुरू है, तो यहाँ पे 12 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है, और यहाँ पे लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 25 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है। और रिटर्न एग्जामिनेशन का डेट क्या है, वो है 7 अगस्त 2022। तो साथियों, कैसा लगा ये नर्सिंग वैकेंसी अपडेट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब बटन पर हिट कर दें, ताकि ऐसी वैकेंसी अपडेट आप समय पर पा सकें। मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।